आज हम आपको सिखाते हैं, आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी तत्वों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में किस आवर्त में आवर्त में व किस ब्लॉक में रखा गया है। देखो बच्चों, हम सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आप बाओ नियम से करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। हम पता कैसे करते हैं कि ये किस वर्ग की आवर्त में है? तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वायतन कोष को देखेंगे। वायतन कोष हमारा है 3s1। तो ये 3s जो 1 है हमारा, ये वायतन कोष है। अब हमें 3s1 बताएगा कि ये किस वर्ग किस आवर्त और किस ब्लॉक में है। तो ये जो 3 है ये आवर्त बताता है, यस ब्लॉक बताता है, और यस के ऊपर लिखा 1 ये वर्ग बताता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है ये तीसरे आवर्त में और यस ब्लॉक में और प्रथम वर्ग में रखा गया है। ऐसे हम दूसरे भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके पता कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 होता है। तो इसका वाहकन कोष ये है 2p4। तो 2p4 यानी 2 बताएगा आवर्त, पी बताएगा ब्लॉक और 4 बताएगा वर्ग। ऑक्सीजन को दूसरे आवर्त में पी ब्लॉक में चौथे वर्ग में रखा गया है। इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।